नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सावन के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश के सिद्धपीठ वीरभद्र मंदिर में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे। शिव भक्तों ने वीरभद्र मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया है। शिव भक्तों में जलाभिषेक करने को लेकर इतना उत्साह देखने को मिला कि लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई। साथ ही पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं की कतार व्यवस्थित करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि पिछले दो दिन में ये क्रम कुछ हल्का पड़ा, अगले तीन दिन प्रदेश में फिर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कुमाऊं समेत पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के मद्देनजर वहीं प्रदेश में अब भी 50 से अधिक संपर्क मार्ग बाधित हैं। इससे कई गांवों में रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं उत्तरकाशी में कई स्थानों पर भूस्खलन होने से बार बार मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। शासन ने दो दिन पहले दिवसीय और आवासीय स्कूलों को कोरोना काल में संचालित करने के लिए एसओपी जारी कर दी थी। अप्रैल में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद से स्कूल बंद चल रहे हैं। एसओपी के अनुसार स्कूलों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिनके पास अभिभावकों का सहमति पत्र होगा, और इसके अलावा मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करना भी अनिवार्य होगा। वहीं अल्मोड़ा में उत्तराखंड मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक लोगों द्वारा भागीदारी की गई, जिसमें प्रदेश के सामाजिक सरोकारों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला के आयोजक पीसी तिवारी ने कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार आपदाओं से पीड़ित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसके लिए प्रदेश के लोगों के साथ बनाई जा रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती ने कहा है कि आज प्रदेश में बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लगाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग आपदाओं से जूझ रहे हैं और सरकार का इस ओर जो रवैया है उसको लेकर प्रदेश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई करनी पड़ेगी। आम आदमी के लिए तो यही है कि उसके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकारें, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी परियोजना बनाने वाले बड़े पूंजीपति हैं, उनके गुलाम हो गई है, उनके इशारों पर नाच रही है, उनके इशारों पर जनता के खिलाफ इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं जो हमारे पर्यावरण को तो नष्ट कर ही रही हैं, हमारे जीवन को भी संकट में डाल रही हैं। आपने देखा कि एनटीपीसी की परियोजना और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में 206 लोग मर गए और आज तक उनके मुआवजे का सवाल, वहाँ जो ऋणी गाँव है जो चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो गाँव जो है पिछले 5 महीने से कह रहा है कि हमारा विस्थापन पुनर्वास होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी सुनवाई नहीं। देखिए, ये गोष्ठी उत्तराखंड में मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास को लेकर है। उत्तराखंड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से पर्यावरण विनाश हो रहा है, जिस तरह से रेणी में आपदा आ रही है, जिस तरह से बांध बन रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो लोग सूचना अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस सारे सवालों पर एक समग्र चिंतन यहाँ पर है और उस समग्र चिंतन के माध्यम से वो सब लोग जिनके यहाँ पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं, शराब माफियाओं ने जहाँ पर आतंक मचा रखा है, उन सारे लोगों की सुनवाई हो रही है डिफेंडर्स की, और वो ये तय करना चाहेंगे कि हम उसके लिए कानूनी उपचार क्या कर सकते हैं। वहीं हरिद्वार में यशस्वी शर्मा ब्रांड एम्बेसडर प्लांट मिशन व ओम आरोग्यम योग मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस मौके पर यशस्वी शर्मा ने कहा है कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ शहर के अनेक लोग सहयोग कर रहे हैं। वयोम आरोग्यम योग मंदिर के संस्थापक योगी रजनीश ने बताया है कि यहाँ पर आयुर्वेद प्लांट्स के साथ साथ फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं, क्योंकि पार्क में बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो जहाँ आयुर्वेद प्लांट्स में से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, वहीं सुंदर फूलों से मन भी प्रसन्न होगा। वहीं उत्तराखंड बिजनौरी महासभा द्वारा ऋषिकुल आयुर्वेद हॉस्पिटल के सभागार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर एच के सिंह ने बताया है
कि कैबिनेट मंत्री को महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें महासभा के दैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक कार्यालय की व्यवस्था, महात्मा बिदुर के नाम पर गंगा घाट आवंटित करने और शिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग की गई है। उत्तराखंड बिजनौरी महासभा का सम्मान समारोह है, आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमने कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने हरिद्वार के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों की हेल्प की है, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम पे डालकर, तथा जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, उनका सम्मान भी हमें करना है, उनको सीकों से तोल रहे हैं। और साथ साथ में हमने उनसे 3 सूत्रीय मांगे अपनी रखी हैं, जिसमें हमारी पहली मांगे हैं जो बिजनौर के वासी जो हरिद्वार में रहते हैं उनके जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको अर्हता के आधार पर उनको प्रेफरेंस मिले, मतलब नौकरी मिले। दूसरा हमने रखा है बिजनौरी विदुर घाट को नामित किया, जो हमारा कोरोना के समय में जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जिन लोगों ने समाज की सेवा की, जनता की सेवा की, उनको सम्मानित करने का ये जो आयोजन किया है ये बधाई के पात्र हैं। और जो हमारी ये बिजनौरी महासभा है, ये समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए, चाहे कोई हमारा त्यौहार हो हर वर्ष, क्योंकि होली हमारा त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, पिछले 10-12 सालों से मैं लगातार इनको देखता हूँ और हर बार मेरे पास निमंत्रण भी आता है कार्यक्रम का, उस त्यौहार को भी बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम को ये लोग करते हैं। मैं जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार से बिजनौरी महासभा उत्तराखंड सामाजिक कार्य करती है, हमें उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर दूसरे हमारे मित्रों को, साथियों को भी इस प्रकार के काम करने चाहिए। वहीं हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी के नेतृत्व में लोगों को फ्री बिजली गारंटी योजना कार्ड वितरित किया है। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ये बताया है कि वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद और मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं जिला सचिव अनिल सती ने कहा है कि बीजेपी के नेता केजरीवाल की मुफ्त बिजली गारंटी योजना से घबरा गए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे कई ऐसी योजना जनता को सीधा लाभ देंगी। हरिद्वार में भी इसी क्रम में आज हमने लाल मंदिर कॉलोनी में हमने महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्होंने गिरोपी लगाई थी, उसमें गीता देवी भी साथ थी, कुछ 8 से 10 बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ आए और मदन कौशिक जिंदाबाद और जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महिलाओं के साथ भाषा का प्रयोग किया। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारी जिला संगठन मंत्री और हम सब लोग मौके पर पहुँचे और वहाँ हमने बड़ी मुश्किल से महिलाओं को बाहर निकाला, उसके बाद हम लोग थाने में गए और तहरीर दी है। तो अब हमें पूरा आश्वस्त है कि पुलिस को संज्ञान में लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली गारंटी कार्ड का अभियान चल रहा है, उसी के तहत हमने आज लाल मंदिर हरिद्वार विधानसभा में अपना हम 2 महिलाएं बैठ के हमने वो अभियान वहाँ पर चलाना शुरू किया। शांतिपूर्वक हम वहाँ पर अभियान चला रहे थे, इतने में जो है वहाँ पर बीजेपी वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम महिलाओं को घेर लिया और वहाँ पर बदतमीजी शुरू कर दी और मदन कौशिक जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाकर और ऊपर से हमारी कैनोपी जो लगी थी उसे तोड़फोड़ कर दी और हमारे साथ बदतमीजी और गाली गलौज पे उतर आए। तो इस तरह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के एक तरफ कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ ये महिलाओं की जो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, तो इनके जो भाजपा वाले इस तरह बौखला गए हैं, जिस तरह से हम आम जनता को जो हम सुविधाएं देना चाहते हैं आम जनता के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है और ये इतने बौखला चुके हैं कि इनको महिलाओं की इज्जत तक नहीं पता कि महिलाओं की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं से कैसा व्यवहार करना। वहीं रुड़की में किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नम्रंदार ने ब्राह्मण महासभा के ज्योतिष पंडित रमेश सोमवाल से शिष्टाचार मुलाकात की है और उनको पटका पहनाकर सम्मानित भी किया है। पंडित रमेश सोमवाल ने बताया है कि किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नम्रंदार पिछले कई वर्षों से किसानों के हित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, चाहे मिलों पर किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर हो या फिर किसानों पर उत्पीड़न हो रहा हो, वह लगातार किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वह गरीबों और पिछड़े लोगों की भी सहायता करते लगातार आ रहे हैं और निरंतर सरकार से भी किसानों की सहायता के लिए अपील कर रहे हैं। किसान कामगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान श्री सुभाष नंबरदार जी चौधरी साहब आज ज्योतिष मंदिरम गुरुकुलम में पधारे हैं और इन्होंने आशीर्वाद लिया और हमें कहा है इन्होंने कि हमारा जो भी सहयोग होगा ज्योतिष गुरुकुलम के लिए हम सहयोग करेंगे, तन मन धन से गुरुजी के साथ हैं। तो मैं इनको सुभाष नंबरदार जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं। चौधरी साहब श्री सुभाष जी बहुत ही अच्छा काम किसान कामगार संगठन के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गरीबों पिछड़ों आदि सब दलितों के लिए किसानों के लिए। श्री रमेश सेमवाल जी रुड़की इनके यहाँ गुरुकुल में आया था, मैं इनका गुरुकुल भी देखा है और इनका आशीर्वाद लेने के लिए शिष्टाचार भेंट करने के लिए इनके पास आया हूँ। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और इनका आशीर्वाद मेरे पर बना रहा है और इन्होंने गुरुकुल बना रहे हैं, उस गुरुकुल में भी बच्चे पढ़ेंगे। इतवार को उनके माँ बाप मिलने के लिए आऊँगे, वो भी कुछ सीखेंगे समाज सुधार के लिए। और ऐसे महान कार्य करने वाले वो जितना इनका धन्यवाद कर ले जितना। फिलहाल के लिए इतना ही, देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।